आपके घर में धन की वर्षा करने वाला पौधा। जी हाँ, मनी प्लांट कहते हैं जिसे। और भी पौधे हैं लेकिन आज हम सिर्फ मनी प्लांट की चर्चा करेंगे क्योंकि हम बचपन से ही मनी प्लांट को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि मनी प्लांट को सही तरीके से कहाँ लगाएं, कौन सी दिशा में लगाएं, वास्तु क्या कहता है, कौन से तरीके से इसकी जतन करें, कैसे इसके साथ व्यवहार करें जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति आएगी। असल में सुख और समृद्धि आएगी, समृद्धि हर तरह की, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो। मनी प्लांट हर तरह की समृद्धि को अट्रैक्ट करता है। तो धन की वर्षा कराने वाले इस पौधे के बारे में आज हम जानते हैं। नमस्ते जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस है, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट की। आप देख सकते हैं मनी प्लांट मेरे सामने है। आज इसके बारे में बहुत सही सटीक जानकारियां मैं देने वाला हूँ। मनी प्लांट के दो तीन वैरायटीज हैं, ये हमारे यहाँ का ही है जिसे मैंने खुद लगा रखा है। देखिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मनी प्लांट की फैमिली मेम्बर्स हैं। इसे एरोहेड कहते हैं, इसे फिलेंड्रॉन कहते हैं, ये सब मनी प्लांट की ही फैमिली मेम्बर हैं। सभी का प्रयोग उचित है, लेकिन हम जिसे हमेशा से जानते आए हैं, जो हमारा हमेशा से देखा जाने वाला मनी प्लांट है, उसकी चर्चा करेंगे। साथियों, अभी आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ये धन संपत्ति लाता है, धन की वर्षा करता है, तो हमारे पार्क में, हमारे गार्डन में, हमारे घर में, हमारे बगीचे में, घर के बाहर गमलों में तो ये बहुत उगा हुआ है, फिर क्यों पैसा नहीं आ रहा है, फिर क्यों धन नहीं आ रहा है। सही तरीके से अगर हम रखेंगे तो ही ये अपना प्रभाव फैलाएगा। इसकी सबसे सही दिशा है दक्षिण पूर्व, जो कि वीनस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र ही धन संपत्ति, वैभव, समृद्धि देने वाला प्लैनेट है। तो इसे हमेशा अपने लिविंग रूम में रखें, या अपने ड्राइंग रूम में रखें, या अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखें। साउथ ईस्ट कॉर्नर में हम कैसे रखेंगे? देखिए, ये प्लांट है, ये बिल्कुल रॉ मैंने लेकर के आया है। हमेशा मनी प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हो, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हो, कभी भी इस तरह से ज़मीन में लटका ना हो, ज़मीन से टच होता हुआ ना हो। अगर ये उतर रहा है तो इसको वापस से बांध करके ऊपर की दिशा दें। अगर मनी प्लांट बहुत बढ़ रहा है तो उसे कट करके, कैंची से प्रॉपर कट करके, डिज़ाइन बना करके, उसे पानी में भर करके अपने फेंग शुई वाले बॉल में या कांच के बॉल में आप इसे प्यार से सजा करके रख सकते हैं। हरे पत्तों को अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं, जहाँ आपका बेड है वहाँ पास में दक्षिण पूर्व दिशा में कॉर्नर में आप इसे रखें। इसे पूरी तरह से कट कट कर करके भर सकते हैं, जैसे मैंने थोड़ा सा कट करके भरा हुआ है, ये थोड़ा सा में ही प्यारा लग रहा है। सोचो अगर बहुत सारे पत्तों को काट के इसमें भर दिया जाए कितना सुंदर लगेगा। और इससे निकलने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो ग्रीनरी की एनर्जी है, जो इस ऑक्सीजन है, ये हमारे रूम को क्लीन भी करता रहेगा। और एक बाय प्रोडक्ट जो इसका है, घर में टीवी होता है, मोबाइल होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उसका जो रेडिएशन है उसे भी ये सोख लेता है। इसके बाद एक और सवाल आता है कि जब पत्तियाँ सूख जाए, जब ये पुराना हो जाए तो क्या करें? तो कभी भी इसे नोच कर नहीं निकालना, हमेशा सूखी पत्तियों को इस तरह से प्यार से काट करके निकालना, और इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं, उसी के जड़ों में काट करके डाल देना, ताकि वो वापस अपनी ही ऊर्जा में समा जाए, ऊर्जा वापस ऊर्जा के सिद्धांत को आप जानते हैं ना, कि ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती, ऊर्जा कभी नहीं बनती, वो बस ट्रांसफॉर्म होती है, इस शरीर से उस शरीर, यहाँ से वहाँ, वो ट्रांसफॉर्म होती है। तो बस हमें उसकी ऊर्जा को वापस उसी में ही दे देना है। अब आते हैं एक अहम चर्चा में, मनी का प्लांट कहाँ से लेकर आए? नर्सरी से लेकर आएंगे वो प्रभाव नहीं मिलेगा। मनी प्लांट हमेशा लेकर आना किसी समृद्ध के घर से, जिसके जीवन में ऑलरेडी समृद्धि है, जो सुख समृद्धि शांति सेहत स्वास्थ्य, जो जो अबेंडेंस से रिलेटेड जो जो चीज़ें उसके पास है, जितना ज़्यादा वह इंसान अमीर है, अपनी खुशियों में है, सेहत में है, अपने जीवन के सबसे अच्छे पलों को जी रहा है, वैसे इंसान को देखो, उनके घर को देखो, और उनके घर से वो मांग करके ले आओ। और वैसे आपको एक बात बताऊँ, इस पे मनी प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी कहावतों में आपने सुना होगा कि मनी प्लांट को चुरा करके लेके आते हैं, चुरा करके लेके आया जाता है। तो मैं आपको ये सलाह तो नहीं दूंगा, चोरी करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आप
उनसे मांग करके लेके आए, बहुत अच्छा होगा। और ना दें तो छोटा मोटा कट करके लेके आने में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मेरा नाम नहीं लेना कि धैर्यवान ने कहा था चोरी करके लेके आने के लिए, से लेकर आए। ठीक है जी। तो मनी प्लांट बेटा ऐसा है कि ये धन का प्रतीक है ना, ये रिश्तों का भी प्रतीक है। आपके रिश्ते भी इससे अच्छे होते हैं। इसका इसकी पत्तियों का शेप हार्ट शेप में होता है। इसकी पत्तियों का शेप हार्ट शेप में होता है। हार्ट मतलब रिश्ता, दिल से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है उसके लिए भी ये आपको अबेंडेंस देता है, आपके रिश्तों को भी हील करता है। तो आप देखेंगे अपने लिविंग रूम में, जहाँ लोग आपके रिश्तेदार आते हैं, आपके संबंधी आके बैठते हैं, वहाँ ये रहे पॉजिटिव एनर्जी देगा। आपके बेडरूम में इसे आप रखें, साउथ ईस्ट कॉर्नर में, वहाँ जो कपल हैं वो रहते हैं, उनके रिश्तों को भी ये मधुर बनाता रहेगा। तो वास्तु और फेंगशुई दोनों में ही मनी प्लांट का बहुत बड़ा हाथ है। ऑफिस में भी इसे कई तरह से सजा सजा करके आप रखेंगे। जितना सुंदर सजा करके रखेंगे, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ उठता हुआ आप रखेंगे, जितना आप उसे हरा रखेंगे, आपके जीवन में उतनी हरियाली और खुशहाली रहेगी। सूखा मुरझाया हुआ साउथ ईस्ट कॉर्नर में मत रखना, वीनस नाराज़ हो जाएगा, विनर्स खुश नहीं होंगे। कभी कभी निकालिए, हफ्ते दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में बाहर निकालिए, धूप में रखिए, 1 दिन पूरा दिन धूप में रखिए, कुछ घंटे धूप में रखिए, या दूसरे वाले मनी प्लांट से रिप्लेस कर दीजिए। एक हमेशा धूप में रखिए, एक हमेशा साउथ ईस्ट कॉर्नर में अंदर रखिए, कुछ कुछ दिन में रिप्लेस कर दिया करें। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या खिड़की से कहीं से सनलाइट वहाँ पड़ता रहता हो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर सनलाइट बिल्कुल नहीं मिलेगा तो ये धीरे धीरे मुरझा भी जाता है। पानी में रहे तो कभी नहीं मुरझाता, मतलब कि जब तक है तो नहीं मुरझाता। पानी में आप ऐसे उसको रख सकते हैं, पानी से उसको मिलता रहता है पोषक तत्व। और फेंगशुई बाउल में अगर आप इसे रखते हैं, जिसे हम मेडिटेशन बाउल भी कहते हैं, इसमें मेडिटेशन करते हैं, तो जब आप मेडिटेशन करें तब इसका इस्तेमाल मेडिटेशन के लिए करिए, बाकी समय में इसमें मनी प्लांट रख लीजिए। और जब मेडिटेशन करना है, इस बाउल का इस्तेमाल करें, तो इस मनी प्लांट को निकाल के पानी में रख करके सूरज की रोशनी में रख दिया। इसका इस्तेमाल होने के बाद, मेडिटेशन होने के बाद, आप इसे वापस इस मनी प्लांट डाल करके सजावट के तौर पर रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मनी प्लांट को अपने जीवन में शामिल करेंगे और उसके सकारात्मक ऊर्जा को, उसके अबेंडेंस से भरी हुई ऊर्जा को रखेंगे। एक और आपको प्रो टिप्स देना चाहूँगा। जैसे कि आपके हाथ में अबेंडेंस वाला कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट है, पायराइट है, या मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है, उसको घर में, अगर आपके पास सेलेनाइट प्लेट नहीं है, अगर आप सेलेनाइट प्लेट में नहीं रख सकते हैं, तो आप मनी प्लांट में ही, अपने घर के लिविंग रूम के मनी प्लांट में ही इस तरह से टांग दें। मनी प्लांट में कहीं ऐसे रख दें, कहीं ऐसे रख दें, कहीं उससे उसे टच करा के रख दें। तो इससे क्या होगा, मनी प्लांट से वो ऊर्जा इसमें आती रहेगी, ये दोनों एक दूसरे को मनी की ऊर्जा ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो सेलेनाइट प्लेट ना होने की कंडीशन में आप अपने मनी मैग्नेट ब्रेसलेट्स को मनी प्लांट के साथ रखें। तो ये कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग थे जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको बताया। बस ऐसे ही इसका प्रयोग करें और मुझे कमेंट में बताना कि 3 महीने बाद आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आया। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।